मीन राशि वालों, महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना। महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। अगर सूरज की तरह चमकना है तो रोज उठना पड़ेगा। दोस्तों, इस पृथ्वी पर नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम वह सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, क्योंकि कुछ दिन, महीने, पल ऐसे आते हैं जहाँ पर हमने कभी नहीं सोचा होता वह सब कुछ होता भी है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। 18 मार्च को शनि उदय हो गए तो वह 2024 के अंत तक जो इच्छा करेंगे, जो मांगेंगे, वह मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों, आज मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण देने के लिए उपस्थित नहीं हुआ हूँ, और नहीं तो आपको ग्रहों की गोचरी स्थिति के बारे में जानकारी दूंगा। आज बस केवल और केवल 18 मार्च को जब शनि उदय होगी तो वह आपके जीवन को कैसे बदल सकते हैं, उनका क्या प्रभाव रहेगा, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। आपके मन में एक सवाल उलझन तो अवश्य ही चल रहा होगा कि अभी तो हम लोग शनि के 7.5 के प्रभाव में है, हमारा तो प्रथम चरण चल रहा है, तो आप बोल रहे हैं कि हम जो मांगेंगे वह मिलेगा, ये कैसे संभव है? लेकिन शनि उदय होते ही ये संभव होगा। मेरा वादा है, आखिर तक वीडियो सुनेंगे, समझेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और जानकारी की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपका अनुभव ही काफ़ी रहेगा। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर आचार्य प्रदीप मेहता, वैदिक साधना अध्यात्म केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, आज का जो वीडियो है वह चंद्र राशि पर आधारित है, आप इसे लग्न राशि से भी सुन सकते हैं। और जिनको अपनी लग्न राशि या चंद्र राशि की जानकारी ही नहीं है, वह अपनी राम राशि से भी इसे सुन सकते हैं। तो आइए समझते हैं। दोस्तों, पूरे 3 साल के बाद शनि ग्रह 12वें भाव में उपस्थित है और वह अपनी मूल त्रिकोण राशि में भी है, तो वह सब कुछ भूलकर परिश्रमी, मेहनती एवं पढ़ाई लिखाई से डिग्री प्राप्त युवाओं को रोजगार देंगे। हानि, कष्ट, दुख, दरिद्रता और भय आदि से सभी देश से रक्षा करेंगे। दोस्तों, आपको अगर याद है तो ठीक है, वरना मैं अभी आपको याद करवाता हूँ। 29 अप्रैल 2023 का वह दिन था जब शनि ग्रह मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश किए थे, और तभी से उन्होंने आपके जीवन को प्रभावित करना शुरू भी कर दिया था। आप थोड़ा दिमाग पर जोर देंगे तो आपको पता चलेगा कि इसी समय के बाद कोई भी डिसीजन आप लेते थे तो वह गलत हो रहा होगा। आपको आपके परिवार को स्वास्थ्य से संबंधित कुछ न कुछ समस्या का सामना करना पड़ रहा होगा। इस दौरान कई फिजूल खर्चे भी हुए होंगे, आप धन की सेविंग नहीं कर पाते होंगे। अगर कोई नया कार्य भी प्रारंभ करते होंगे तो वहां पर लाभ तो न हुआ होगा और न तो आपकी आर्थिक समस्या खत्म हुई होगी। यह सब कुछ होता है, अक्सर शनि के 7.5 के प्रथम चरण में जीवन कष्टमय रहता है, कुछ न कुछ समस्या आती रहती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में शनि गोचर चाहे वह अस्त हो, उदय हो या फिर परिवर्तन हो, महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि शनिदेव केवल ग्रह नहीं है, शनिदेव आपके कर्म है, आपके कर्मा है, शनिदेव आपके शरीर की छाया है, शनिदेव आपके शरीर में छुपे पाप पुण्य की गिनती है, शनिदेव ऐसी ऊर्जा है, ऐसी ताकत है जिसे फोर्स के आगे ब्रह्मांड की सभी ताकतें हथियार छोड़ देती है। अगर कार्य क्षेत्र में देखा जाए तो शनि प्रमुख रूप से लोहा है, अनाज है, रियल एस्टेट से संबंधित कार्य है, कोयला व्यापार है, चमड़ा है, जंगल है, मंदिर है। अगर आप भी इनसे संबंधित कार्य कर रहे हैं तो शनि उदय से 2024 के अंत तक आपके अच्छे दिन जरूर आएंगे। कुछ ऐसा होगा, कुछ नया होगा, कुछ अद्भुत होगा जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि शनिदेव जब अस्त होकर आपकी कुंडली के 12वें भाव में उदित होते हैं तो वह असंभव दिखने वाले कार्यों को भी संभव बनाते हैं। शनि समाज के निचले तबके या फिर मजदूर वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्हें प्रमुख रूप से लाभ देते हैं। जिनके जीवन में राज्य की ओर से कुछ बाधाएं या अड़चन उपस्थित हो रही थी या पदोन्नति में रुकावट बन रही थी तो वह बाधाएं दूर होगी। आपका किसी ऐसे जगह पर ट्रांसफर होने वाला था और आप नहीं जाना चाहते थे क्योंकि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप अपनों से दूर नहीं जाना चाहते हैं, तो वह ट्रांसफर रुकेगा। अधिकारियों के साथ सार्थक बातचीत होगी,
आपके ऊपरी अधिकारी आपकी बात को टाल नहीं सकेंगे, या फिर आप ट्रांसफर तो चाहते हैं और आपका ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो शनि आपके जीवन में अवश्य ही सुखकारी बदलाव लाएंगे, क्योंकि उनका जन्म ही बदलाव के लिए हुआ है, परिवर्तन के कारक है और ये करवाते भी है। अगर आप धन और सुख की दृष्टि से देखें तो शनिदेव करियर और बिजनेस दोनों ही क्षेत्र में बेहतर परिणाम प्राप्त करवाते हैं। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए शनि अपार सफलता लेकर आएंगे। आपके वेतन बढ़ने के संकेत है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में आपको उम्मीद से कई गुना ज़्यादा लाभ देंगे। एक लाइफ चेंजिंग ऑप्शन भी प्राप्त होगा, वह आपको मार्च में भी मिल सकता है और अप्रैल के बाद भी, यानी कि 2025 से पहले 2024 के अंत में जरूर मिलेगा, जो आपको पैसा कमाने में और ऊंचाइयों पर पहुंचाने में आपकी पूर्ण रूप से मदद करेगा। मैंने पहले भी कहा था, जिनके पास डिग्री है, जिनके पास योग्यता है, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, बार बार इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन असफल हो रहे हैं, तो अब रिजल्ट कुछ और ही दिखेगा। आप में से कई लोग जॉब कर रहे हैं, जगह अच्छी है, आसपास का वातावरण अच्छा है, लेकिन पेमेंट की तकलीफ हो रही है, या कर्ज से दूर है, माता पिता से दूर रहना पड़ रहा है, आप वहाँ है, आपकी पत्नी कहीं है, आपका बच्चा कहीं और है, तो जैसे ही शनि का उदय होगा तो वह आपको नौकरी के क्षेत्र में नए अवसर के साथ अच्छे कामनाओं को पूर्ण करेगा। व्यापार में उन्नति के योग बनेंगे। कड़ी मेहनत के बल पर आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। पारिवारिक शांति मिलेगी। झगड़ा विवाद खत्म होगा, क्योंकि शनिदेव ने पारिवारिक कलह नजदीक से देखा है, उन्होंने नजदीक से महसूस किया है। शनिदेव की एक कहानी फेमस है। जब शनिदेव अपने माता के गर्भ में थे, उनकी माता शिव आराधना में इतनी तल्लीन हो गई कि खाने पीने तक की उसको शुद्धि नहीं थी, और फिर माता के गर्भ में शनि का स्वरूप स्वाम वर्ण हो गया। फिर उनका जब जन्म हुआ और उनके पिता सूर्य ने उसे पुत्र मानने से इनकार कर दिया, तभी से पिता पुत्र के बीच शत्रुता उत्पन्न हो गई। फिर आगे जाकर भगवान शनि ने महादेव की आराधना करके वरदान प्राप्त किया, और शिव ने वरदान देते हुए कहा, नवग्रह में तुम्हारा श्रेष्ठ स्थान रहेगा, मानव तो क्या, तुम्हारे नाम से देवता भी डरेंगे। वही शनिदेव उदय होने के बाद आपको पैतृक संपत्ति के माध्यम से अचानक से मालामाल कर सकते हैं। अगर आप अपने प्रयासों में कमी नहीं रहने देंगे तो वह अनहोनी को भी होनी कर देंगे। साथ ही विदेश में नौकरी पाने का सपना पूरा होगा। बारवा भाव विदेश का ही है, तो विदेश में संघर्ष को खत्म करेगा। जो अपने जन्मस्थान से दूसरे शहर या राज्य में कार्य कर रहे हैं, उनकी अचानक से किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की जन्म के समय उसकी कुंडली में शनि की स्थिति उसके भाग्य दुर्भाग्य का आधार बनती है। इसलिए यदि समय रहते हुए रूठे हुए शनि को मना लिया जाए तो शनि जातक को पीड़ित नहीं करता। इसलिए कुंडली का विश्लेषण करें, जाने समझे और जीवन में आगे बढ़े। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।